जय श्री राम दोस्तों, मैं राम ब्लॉग से अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी जो है मैं हूं राम पथ पे और मैं इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूं जन्म भूमि पथ का नाइट व्यू। अभी मैं आपको टाइम दिखा रहा हूं तो ये देख सकते हैं 12:44 हो रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये कोई स्क्रीन शॉट या और कुछ है नहीं, इसको मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं चल रहा है। तो ये जो है नाइट व्यू होने वाला है फुल्ली, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा धर्म यहाँ राम पथ स्टार्टिंग पॉइंट से राम मंदिर तक जो कि नाइट व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हमें लगता नहीं किसी के चैनल पे ये वीडियो पड़ा होगा नाइट व्यू जन्मभूमि पथ का, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए फिर मैं आपको आगे ले चलकर दिखाता हूँ क्या सीन कैसे है। दोस्तों मैंने जो है पहले आपको बता दिया है मैं राम पथ पर हूँ, तो अभी राम पथ का आगे सामने देख सकते हैं हिस्सा, इस साइड में भी देख सकते हैं राम पथ का हिस्सा, और ये फाइनल रहा जो है जन्मभूमि पथ। गेट का यहाँ पे निर्माण कार्य हो गया है, फिनिशिंग टच इसको दे दिया। वर्कर्स देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सभी खड़े हुए हैं, सब कार्य करने वाले हैं। अभी देखे दिखाएंगे आपको जो है सड़क को बनाया गया है, ये सब कार्य करने वाले हैं। अभी यहाँ पे कार्य हो रहा है, ये देख सकते हैं जो नया सड़क अभी निर्माण इसका हो गया है, जो कि अभी देखेंगे एकदम न्यू है, पहले ये नहीं था, अभी जिसको जस्ट न्यू बनाया गया है। उधर जो है कार्य किया जा रहा है, उस उधर निःशुल्क लॉकर सेवा ये सब है, और जो है हेल्प सेंटर जहाँ पे आरती पास वगैरह बनता है। पुलिस वाले आगे हो सकता है वो हमको रोके वीडियो बनाने के लिए, बट चलिए दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। ये देखिए इस साइड का व्यू कितना ज़्यादा भव्य दिख रहा है, जो कि इसको न्यू बनाया गया, स्ट्रीट लाइट ऊपर है तो ये जो है उजाला देता है। तो आप इसको बताइए कैसा देखने में लग रहा है। अभी अभी मैं आपको आगे लेकर चलकर दिखाता हूँ जो कि नाइट व्यू पूरा होने वाला है इस जन्मभूमि पथ का। क्या हुआ सर? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पे वीडियो शूट करना नाइट में मना है। अभी देखिए सर जो थे उनको मना कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि मैं जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ यहाँ अयोध्या का, अयोध्या डेवलपमेंट का, राम मंदिर का, तो उन्होंने कहा कि नाइट में मना है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर जो है मैं थोड़ा आगे तक शूट करूँगा और वहाँ तक की चीज़ों को दिखाऊंगा, उसके बाद फिर नहीं करूँगा, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं शूट कर लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, बट ये है कि नाइट में लगभग 8 बजे तक यहाँ पे अलाउ हो शूट करना। तो यहाँ पर देखेंगे कोई आ भी नहीं रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। ट्रैक्टर यहाँ पे है और ये है जो कूड़ादान है। इधर जो है आप देखेंगे तो ये सुग्रीव किला है जिसका न्यू अभी ये गेट बनाया गया है। ये गेट आपको हमको बताइए कि ये गेट किस राज्य का लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गेट लग नहीं रहा है, शायद ये आपको पता होगा। और यहाँ पे CCTV कैमरे जो है लगाए गए हैं इस जन्मभूमि पथ पर। स्ट्रीट लाइट मैंने आपको वहाँ पे भी दिखा दिया है, सेम है। इधर छोटे छोटे जो है पत्थर लगाए गए हैं जो कि इधर जो है पैदल यात्रियों के लिए है, और इधर कोई VIP जो जाएगा उसके लिए यहाँ पे जो है रोड का निर्माण किया गया है। तो कुछ ऐसा सीन है, अभी आगे जो है पुलिस वाले हैं तो वो आगे भी रोक सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, अगर जहाँ तक हो सकता है बनाएंगे। मैं तो चाहूँगा कि वहाँ जन्मभूमि पथ पूरा बनाऊँगा, आपको पूरा दिखाऊँगा अपडेट क्या कैसे हो रहा है। इधर जो है दीवारें जो बनाई गई है कुछ इस तरह से है। ये रास्ता जो आप देखेंगे गली वाला, ये हनुमानगढ़ी की साइड जाता है, तो अगर इधर के भी आते हैं हनुमानगढ़ी जाना चाहते हैं तो ये शॉर्ट रास्ता है, इधर से जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक रंगोली भी दिख रहा है, ये देखिए नीचे रंगोली बनाया गया है, जो कि ये राम पथ और भक्ति पथ जन्मभूमि पथ सभी जगह पे ये रंगोली बनाया गया है, जो कि इसका शायद कल से ही इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये है जो कि फाइनल जन्मभूमि पथ का व्यू। और यहाँ पे एक जो है पीपल का वृक्ष इस पथ के बीच में आया था, तो इसको कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई है, ना ही इसको काटा गया, इसकी डालियों को भी नहीं काटा गया, बट कि इसको ऐसे ही रख दिया गया है। और कलश यात्रा जो हुआ था तो यहाँ पे देख सकते हैं कलश यात्रा है, और इसमें जो है लाइटें लगाई गई हैं, तो ऐसा कुछ देख सकते हैं जो कि सेम लाइटें धर्म पथ पर भी लगाई गई हैं। तो यहाँ पे कुछ लाइटें लगाई गई हैं, अगर पूरे में लगाई गई होती तो बहुत ही अच्छा लगता। और पिंक कलर का जो है ये पत्थर है यहाँ पे, और इधर का जो डिजाइन है दीवारों पर जो चिपकाया गया है सब सेम है। इधर जो कंस्ट्रक्शन अभी मतलब चल रहा है, अभी तो छुट्टी है, लेबरकर्स लोग सो रहे होंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस राम जन्मभूमि पथ का भव्य और दिव्य नज़ारा दिख रहा है, जो कि नाइट व्यू है। और नाइट व्यू में आप बताइए यहाँ पे कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए, और कहाँ का और आपको नाइट व्यू चाहिए वो मैं आपको देने की ट्राई करूँगा। बट हाँ, आप याद रखें कि जो है राम मंदिर का मंदिर, क्योंकि राम मंदिर में तो जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और हर जगह जाना है। तो मैं ट्राई करूँगा, 2 CCTV कैमरे इधर भी लगे हैं, और ये बैरियर लगाया जा न्यू बनाया जा रहा है, जो कि धर्म पथ मतलब राम जन्म भूमि पथ के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाया जाएगा, जो कि श्रद्धालुओं को जब ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उनको रोका जा सके इस बैरियर से। और यहाँ का जो है कार्य वगैरह अभी चल रहा है, नाइट व्यू है, बंदर अभी वहाँ पे है, अभी मैं दिखाऊँगा।
और इधर देखेंगे तो वैसे ही दीवारों में चिपकाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसा कुछ भव्य यहाँ का नज़ारा है। क्रेन यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखेंगे, और रोलर यहाँ पे है, मैंने आपको पहले ही दिखाया, जो सड़क है इसका कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे रोलर एक है और आगे एक रोलर है, इसको जो है न्यू बनाया जा रहा है गिट्टी से। इसको देखिए अभी तो यहाँ पे जो है RCC बन गया है, बट इसको अभी भी बनाया जा रहा है। तो आगे मैंने चलकर दिखाता हूँ क्या चीज़ें है। और इस पथ पर आपको बैठने के लिए ये दिखा लगा है कुर्सी यहाँ पे, जो कि पिंक स्टोन पत्थर का है, तो ये भी देखने में अच्छा लगता है, जो कि श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी जगह पे दूर दूर दूरी पे लगाया गया है, तो बहुत ज़्यादा दूरी पे तो लगाया नहीं गया है। अभी देखिए एक यहाँ है, एक इसके आगे है, और ये फाइनली रोलर रहा, जो कि यहाँ पे जो गिट्टी और डामर को लगाकर जो सड़क बनाया जाता है, तो उसको ये समतर कर देता है। कार भाई साहब यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही जल्द आने वाला है, ज़्यादा दिन है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है डेवलपमेंट कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आपको बता दूं मैं, अभी लगभग 12:30 बज रहे होंगे, यहाँ पे रात में देख सकते हैं कार्य हो रहा है, कितना ज़्यादा लेबर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पे हो रहा है जो कि ब्रेकर शायद बनेगा, और यहाँ पे जो है गिट्टी और डामर को मिलाकर यहाँ पे सड़क को निर्माण किया जा रहा है। इधर निःशुल्क प्रसाधन है, जो कि टॉयलेट वगैरह है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, जन्मभूमि पथ का रूप नाइट का व्यू है। तो नाइट का व्यू आप बताइए कैसा लग रहा है देखकर, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, उधर जो है लोग सोए हुए हैं, तो ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। ये रहा राम जन्मभूमि पथ का एरिया, जो कि रेड जोन है। दोस्तों अभी जो है मैं चेकअप पॉइंट पे पहुंचने वाला हूं, जहां पे श्रद्धालु जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं उनका चेकअप किया जाता है। और ये चीज़ आप देखिए अभी न्यू बन रहा है, जो कि शायद लॉकर होगा। हमने यहां के जो एक इंजीनियर है उनसे मैंने बात किया था, तो वो बता रहे थे कि लॉकर बन रहा है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए होगा लॉकर। और ऐसा कुछ यहाँ का सीन दिख रहा है, इसके अंदर भी जाना मना है। अभी देखिए यहाँ पे जो है रेड जोन लगाया गया है, मतलब बैरिकेड, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। अभी यहाँ का सीन आपको दिखाएंगे, नाइट व्यू कैसा दिख रहा है। ये है जो है राम जन्मभूमि पथ का फाइनल नाइट व्यू, टाइम मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, अभी मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा टाइम। फ़ोन अभी हमारे पास नहीं है, एक दोस्त मेरे साथ में आया तो उसके पास फ़ोन है, मेरे पास एक ही है, तो फ़ोन लिया है, वो भी रिकॉर्ड करा, अभी आएगा तो मैं उसको दिखा दूंगा। और ये फाइनल जो है राम मंदिर का नाइट व्यू है, स्ट्रीट लाइट ऊपर देखिए लगा हुआ है यहाँ पर फाइनल। हर इस रोड के मतलब यहाँ पे दो इधर साइड लगा है, इधर साइड लगा, उस साइड देखेंगे तो उधर साइड लगा, बट यहाँ पे अभी कार्य हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया है। और ये जन्मभूमि पथ का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वर्क अभी चालू है। मैंने आपको पहले ही दिखाया कितने ज़्यादा वर्कर्स कार्य कर रहे हैं इस रोड पर, और आगे जो है दो पुलिस वाले लगे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। ये रहा फाइनल इस पथ का जो है, यहाँ पे देखेंगे तो डामर वगैरह यहाँ पे है, इस मशीन से डामर को बनाया जाता है, और यहाँ पे जो न्यू बनाया गया, अभी देखिए यहाँ पे पानी वगैरह लगाया गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन दिख रहा है इस राम जन्मभूमि पथ का। और इस साइड से जो है श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करके बाहर आते हैं, और ये पानी पीने के लिए बना दिया गया है, और एक जो है छोटा क्रेन वहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सब आप बताइए कैसा लग रहा है देखकर, जो कि राम मंदिर का नाइट भी हुआ, आगे शायद जाना मना होगा, लेकिन हम चलते हैं दिखाते हैं चीज़ों को, अगर मना होगा तो फिर नहीं जाएंगे। अभी आप देखिए तो जो है अमावा राम मंदिर था, उसके ऊपर देखेंगे तो शिखर पे वो ध्वज दंड लगाया गया है, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये अभी न्यू लगाया। दोस्तों यहाँ से जो है माइक डिस्चार्ज होने के कारण आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा भव्य तरीके से यहाँ पर रात्रि में कुछ इस प्रकार से व्यू आ रहा है। और ये जो सामने आप देखेंगे तो ये जो है श्रद्धालुओं के लिए लॉकर बनाया जा रहा है, और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक क्रेन लगाया गया है जिससे वर्क किया जा रहा है। अभी हम इसके जस्ट आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है पुलिस वाले लगे हैं, जो कि अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है रात में। अभी यहाँ पे दो हैं और उसके आगे जो है और काफ़ी ज़्यादा पुलिस हैं,
तो ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू दिख रहा है नाइट में। और ये वीडियो जो है परसों की मैं शूट कर रहा हूँ, बट वॉइस जो है अभी आज करके अभी अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है माइक डिस्चार्ज होने के कारण वॉइस नहीं आ रहा था। तो मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो में, बट क्या है कि अभी जो है बाद में बोलने में थोड़ा वो फीलिंग नहीं आता है, तो उतना बढ़िया से तो वॉइस नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ये भी पूछ रहे थे कि अंदर जा सकते हैं अभी दर्शन करने के लिए, तो इनको भी मना कर दिया था, क्योंकि अंदर जो है किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। रात में कोई भी हो, किसी को जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्कर्स हैं वही कार्य करने के लिए जा रहे हैं, और उनका भी आई कार्ड वगैरह चेक किया जा। तो दोस्तों जो है ये राम जन्मभूमि पथ का नाइट व्यू था, लगभग हमें लगता है आखिरी वीडियो है ये नाइट का राम जन्मभूमि पथ का, क्योंकि इस पथ पर जो है रात में 8 बजे के बाद वीडियो बनाना बंद कर दिया गया, अलाउ नहीं है किसी को भी। तो मैंने वहाँ पे सर से बात किया था, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा सीन है, तो मैंने कहा कि देखिए सर मैं अयोध्या से ही हूँ, अयोध्या का वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा आगे जाकर बना लूँगा, बट यहाँ पर देखिए आ गया हूँ, सिक्योरिटी यहाँ पे भी है, तो यहाँ का मैंने वीडियो बना लिया। आप बताइए कैसा लगा, कमेंट करके ये भी बताइए कौन सा आप नाइट व्यू देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को छोड़कर, क्योंकि आपको पता होगा राम मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। राम मंदिर छोड़कर आप कहीं भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट टाइम बता दिखा दे रहा हूँ, देखिए 1:03 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आया जो कि डिस्चार्ज का, मैं उस वीडियो को जो रिकॉर्ड किया था उसको देखा तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर मैंने माइक को दोबारा ऑन किया, उसमें थोड़ा फिर रिकॉर्ड किया तो उतना आवाज़ आया जितना आप लोगों ने सुना, फिर इसके बाद यहाँ से कट गया था। तो यहाँ से फिर मैं आपको बता रहा था कि मतलब टाइम वगैरह दिखा रहा था कितने बज रहे हैं, तो टाइम आप लोगों ने देख ही लिया। तो और मैं बता रहा था कि जो यहाँ की मतलब बारे में कुछ बता रहा था, तो मुझे शायद याद नहीं है क्या बता रहा था। और आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा रहा जो कि राम जन्मभूमि का नाइट व्यू है। ये मैंने 18 तारीख को रात में शूट किया था, तो आप मान सकते हैं 18 तारीख को रात और 19 के सुबह मैंने इसको शूट किया। आप लोग बताइए कैसा रहा और कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं।